बिहार के सारण में लगातार बारिश की वजह से गिरी मंदिर की एक दीवार, मलबे में दबने से दो लोगों की गई जान। यूपी के बलिया में मूसलाधार बारिश के कारण उफान पर गंगा नदी, नदी के तेज बहाव के चलते कटा सड़क का एक हिस्सा। बदायूं में बाढ़ की वजह से पानी में डूब गई पूरी सड़क, यातायात हुआ पूरी तरीके से बाधित, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। एटा में गांव में पहुंचा 8 फीट लंबा मगरमच्छ, भैंस पर किया हमला, वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। आगरा में गांव के तालाब में दिखा मगरमच्छ, गांव वालों ने मचा हड़कंप, वन विभाग को किया गया सूचित, बाद में वन विभाग द्वारा मगरमच्छ को किया गया रेस्क्यू। यूपी के सहारनपुर में खेतों में लगी तार में फंसा तेंदुआ, इलाज के दौरान घायल तेंदुए की चली गई जान। यूपी के संभल में डीजे बजाने को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ, मारपीट और पत्थरबाजी की घटना भी देखने को मिली, पुलिस ने इस पूरे मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। पंजाब के जीरकपुर में इमिग्रेशन कंसल्टेंट ऑफिस पर गोलीबारी की घटना आई सामने, नकाबपोश बदमाशों ने 5 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग की, मौके से फरार भी हुए। पंजाब के मोगा में मेडिकल की दुकान पर लूटपाट की तस्वीरें आई सामने, दुकानदार पर तेज धार हथियार से हमला कर पैसे लेकर फरार हुए बदमाश। नोएडा अथॉरिटी के 7 अफसर को किया गया सस्पेंड, ट्रांसफर होने के बावजूद नई जगह पर ज्वाइन नहीं करने और पुराने मामलों की जांच को लेकर की गई बड़ी कार्रवाई। पंजाब पुलिस के डीएसपी को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किया गिरफ्तार, फार्मा कंपनी को कानूनी कार्रवाई से बचाने के लिए 45 लाख की रिश्वत ली थी ऑफिसर ने। तमिलनाडु के विरुधुनगर में पटाखा बनाने वाली एक फैक्ट्री में ही विस्फोट हो गया, एक शख्स की जान भी गई इस पूरी घटना में, कई लोगों के घायल होने की भी खबर। विरुधुनगर ब्लास्ट पर मुआवजे का ऐलान किया गया, मृतकों के परिजनों को 3 लाख और घायलों को 2 लाख की मदद करेगी राज्य सरकार। लखनऊ में 4 मंजिला बिल्डिंग की 4थे फ्लोर पर लग गई भीषण आग, दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरीके से बुझाया जा सका। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बाढ़ में डूब गए कई गांव, रोजमर्रा के कामकाज में लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। बंगाल में बारिश और बाढ़ की वजह से आमतौर पर सभी इलाके हैं त्रस्त, बंगाल में बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और डीवीसी को घेरा, कहा बारिश के चलते नहीं बल्कि डैम से ज्यादा पानी छोड़ने की वजह से बाढ़ जैसे हालात। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का बड़ा आरोप, कहा ममता बनर्जी ने बाढ़ राहत कार्य किया बंद, तस्वीरें खिंचवाने के लिए घूम रही हैं सर। यूपी के संभल में लगातार बारिश के चलते एक कच्चा मकान भी गिरा, मलबे में दबने की वजह से बुजुर्ग दंपत्ति की गई जान। मेरठ में लगातार बारिश की वजह से 2 जगह मकान गिरने की खबर आए सामने, हादसे में 3 लोग जख्मी भी बताए जा रहे हैं। नवादा के मुफसल थाना क्षेत्र के देदौर कृष्णानगर में नदी किनारे बसे जमीन पर झोपड़ियों में आग लगने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी, डीएम ने घटनास्थल का किया दौरा, अग्निकांड के बाद हालातों का लिया गया जायजा, साफ तौर पर माहौल को और भी शांतिपूर्ण बनाने की लगातार कोशिश पुलिस द्वारा जारी।
नवादा कांड पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा इस मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। नवादा अग्निकांड पर सांसद विवेक ठाकुर का भी बयान आया सामने, कहा कोर्ट में चल रहा है जमीन विवाद का ये पूरा मसला, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होकर रहेगी। नवादा अग्निकांड पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, कहा डबल इंजन की सरकार में लगातार हो रही है भयानक घटनाएं, दिल्ली से बिहार तक इनकी सरकार दोषियों पर करे कार्रवाई। बिहार के सीतामढ़ी जेडीयू की महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष के साथ हैवानियत, दबंगों ने चोरी का आरोप लगाकर बेरहमी से पीटा, चप्पल की माला भी पहनाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पर तेजस्वी यादव का बड़ा तंज, कहा वो आरएसएस की भाषा बोलते हैं, लोग तो प्यार से उन्हें जीतन राम शर्मा कहते हैं। आईपीओ की तरह पैसा बनाने के लिए एनएफओ भी कम नहीं, म्यूचुअल फंड की नई स्कीम में निवेश का मौका, कई कंपनीज के एनएफओ खुले। शुरू हुई एनपीएस वात्सल्य स्कीम, वित्त मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए माता पिता कर सकते हैं निवेश। डिज्नी के स्टार इंडिया के दावे को चुनौती देगी जी, स्टार ने जी पर करीब 8000 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए केस किया फाइल। त्योहारी सीजन में लोगों को महंगाई से मिल सकती है थोड़ी राहत, सरकार ने कहा है कि खाने पीने की चीजों की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। कैनरा बैंक के अप्रेंटिस के 3000 पदों पर निकली है भर्तियां, ग्रेजुएट्स को है बड़ा मौका, रिजर्व कैटेगरी के लिए फ्री। मराठी शब्द का गलत उच्चारण करने पर अमिताभ बच्चन ने मांगी लोगों से माफी, वीडियो जारी कर फैन से सॉरी कहा। करण जौहर ने की अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व की जमकर तारीफ, कहा वो जिससे भी मिलते हैं उस पर अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं। पंद्रह नवंबर को रिलीज होगी विक्रांत मैसी की फिल्म द साबरमती रिपोर्ट, नए पोस्टर के साथ मेकर्स ने किया ऐलान। साउथ फिल्म कंगुआ की रिलीज डेट में बदलाव किया गया, 14 नवंबर को सिनेमाघरों में आएगी ये फिल्म, रजनीकांत की वेटरन के साथ नहीं होगा इसका क्लैश। मामी सुनीता की नाराजगी पर कृष्णा अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी, कहा मैं जानता हूं कि वो गुस्से में है।